हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। आप सभी का स्वागत है। आज जो सीरीज शुरू होने जा रही है वो है आपकी जोडिक साइन, जो है फिर वो सन साइन से हो या मून साइन से हो, कोई भी जो भी आपका जोडिक साइन है उसकी सीरीज शुरू हो चुकी है। 2024 आपके लिए कैसा जाएगा। सो आपका जो भी जोडिक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको उसकी जो लिंक है वो दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपकी राशि हो उस राशि की रीडिंग आपको मिल जाएगी। आज के इस रीडिंग में आपको जानने को मिलेगा 2023 जो है वो आपका कैसे गया, 2024 आपका कैसे जाएगा, और साथ ही में 2024 में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, और आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस। पर्टिकुलर वो कौन सा डिवाइन टाइम है जिसमें आपके काम जो है वो बनेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो कर्क राशि, आज हम देखेंगे कि क्या आप क्या 2024 कैसे जाएगा, साथ ही में 2023 आपका कैसे गया। लेट्स सी 2023 कैसे गया। ओके, सो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपका विजडम तो बड़ा ही, आपके साथ में आपका फोकस जो है वो फोकस कहीं ना कहीं थोड़ा सा धुंधला सा हो गया, लेकिन बाद में आपने उसका ग्रिप पकड़ लिया। सो आपके नए जीवन में, नए पड़ाव में आपने अपने साथीदार को, अपने पार्टनर को, एनीवन, आपका उनको सपोर्ट था और साथ ही में एक दूसरे के लिए एक इनर सोल कनेक्शन भी था। सो इसके वजह से आपके जीवन में थोड़ा सा एक इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो गया 2023 में, और साथ ही में आपका विजडम बहुत ज़्यादा अच्छा सा बढ़ा और आपने किसी मेंटोर को भी फॉलो किया होगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने गुरु नहीं किए हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपने किसी गुरु को भी अपनाया है 2023 में। अब चलिए देख लेते हैं 2024 आपका कैसे जाएगा। एंजल्स, यूनिवर्स, बताइए कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसे जाएगा। लेट्स सी। वाओ, ओके ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके रिश्तों में थोड़े से दरार आते हुए नजर आ रही है कि ज्यादा आप ना किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट मत करिएगा 2024 में, क्योंकि लोग आपको उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो रिलेशनशिप विद ऑल थोड़ा सा बच के रहना है, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली लॉसेस होने वाले हैं, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, स्टेटस लॉसेस, यस देयर इज। करियर में आप नए पड़ाव में जा रहे हैं, नए करियर आपका स्टार्ट हो रहा है, ये नज़र आ रहा है। आप जहाँ पे थे वहाँ का जोन छोड़ के आप थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अकेले काम करिए, ठीक है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम करेंगे वो आपको मेंटली, इमोशनली सपोर्ट देने का दिखावा ज़रूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे के लिए आपका नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है 2024 में। इससे बच के रहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए कन्फर्मेशन के लिए। एंजल, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, कर्क राशि वालों के लिए 2024 के लिए वन गाइडेंस। देखिए नंबर 7, और 2023 में भी नंबर 7 आया था। सो कहीं ना आप ना थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आपको वो देना ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप ना मल्टीपल गुरुओं के पास भी जा रहे हो, बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको लग रहा है ना कुछ हो ही नहीं रहा, राइट? तो वो चीज़ नहीं करनी है, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वही चीज़ करनी है। धोखा मिलने वाला है आपको फाइनेंसेस में। सो अपने पैसे किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ सही आपको रखना चाहिए 2024 में, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो लेट्स सी कि लव रिलेशनशिप आपका कैसे रहेगा 2024। ओके, सी दरार, डेफिनेटली आपके रिश्ते ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में दोस्ती आएगी और दोस्ती टूटेगी, दोस्ती टूटने के लिए ये नज़र आ रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिश्ता टूटते हुए नज़र आ रहा है,
धोखा मिलने वाला है यहाँ पे, और जिन्होंने अपने रिश्ते में पैसे भी लगाए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, उनके पैसे डूबते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर ट्रांसपेरेंसी आप दोनों में नहीं है, और रिश्ते टूटने का चांस 101% है यहाँ पे। जो लोग शादीशुदा है तो उन दोनों के बीच में दरार आ सकती है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एक दूसरे से थोड़ा बिछड़ जाएंगे यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है। और एक कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे आपके लिए, एंजल यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ जो है 2024 की कैसे रहेगी। जो भी लोगों के लिए ये द टावर का मोमेंट नहीं होगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सिक्स ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे। हाँ, सो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा बनेंगे आप एक दूसरे के प्रति, जिनके जीवन में ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये टाइमलेस रीडिंग भी है और मल्टीपल लोगों के लिए भी है, ये स्पेसिफिक नहीं है, डिटेल्ड है। बट आपकी एनर्जी जिनकी यहाँ पे आई है ना, जो ब्रेक हो रहा है वो तो टूटेगा ही कन्फर्म। और जो लोग है रिलेशनशिप में, शादीशुदा है, बाल बच्चे वाले हैं, उनके लिए ये है कि एक दूसरे के प्रति आप ज़्यादा फोकस रहेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद अपने पार्टनर से जाके मिलिए, और थोड़ा सा 2024 के लिए आप अपने जीवन में थोड़ा सा प्लान करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, थर्ड पार्टी को निकाल दीजिए, जो भी लोग ये देख रहे हैं और जो खुद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो निकाल दीजिए। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए तो फील अच्छा खासा होगा, नहीं तो ब्रेक होना कन्फर्म है। लेट्स सी डिवाइन टाइम क्या है 2024 में आपके लिए। नो टाइम इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इरिवोकेबल। ओके, जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पूर्वज जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो हो रहा है घटित, इसको आपको सरेंडर वे में जीना चाहिए, पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए अपने आप को, और ईश्वर के प्रति समर्पण रहना चाहिए, अपने पार्टनर के प्रति समर्पण रहना चाहिए, अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए आपको। आपके करियर भी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं जाने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ट्रैवलिंग एनर्जी डेफिनेटली आ रही है यहाँ पे। सो कभी कभी हो जाता है ना, हम इतना टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि हम किसी और जगह पे चले जाए जहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, और फिर हम एक नई शुरुआत करें, तो ये नई शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो ये आपके हाथ में है, ये कौन से महीने में आप करेंगे, आपके डिसीजन के ऊपर है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है एंजल्स से आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। देखिए यहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइम नहीं आया, एक चलिए और एक निकाल लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस। एंजल यूनिवर्स प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए क्या है गाइडेंस फॉर 2024। अपॉर्चुनिटी, सी करियर अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, रिलेशनशिप में भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, तो ये आपके ऊपर है पूरा। अभी ना थोड़ा सा मेडिटेशन करके शांति से सोचिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। ओके, लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, आदि योगी जी कह रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद इनर सेल्फ, यूअर इनर सेल्फ। सो मैंने अभी वही कहा कि मेडिटेशन करके आप ना अपने आप से जुड़ जाइए, कहीं ना कहीं अपना सेल्फ टॉक कम है, उसको ज़रूर करिए, और आप करेंगे भी 2024 में। बिल्कुल आपके जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मेजर इवेंट घट रहा है, वो बुरा घट रहा है, ठीक है। सो उसके प्रति थोड़ा सा सतर्क रहे, अपने लोग ही पीठ में छुरा खोपते हैं, तो उससे बचे। ओके, सो ये रीडिंग थी आपके लिए। सो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।